अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डिज़ाइन बाय शीलास। आज मैं थानू बहुत ही खूबसूरत ई ड्रेस दी कटिंग और स्टिचिंग दस रही हाँ। बहुत ही खूबसूरत और हसीन सूट आ जिहड़ा अज मैं थानू कटिंग और स्टिचिंग इहदी दसूंगी। आह असी फ्रॉक दे दरम्यान वाला पैनल लै रहे हाँ 14 इंच का, और इनू असी आह जिहड़ा पैनल असी लिया वा इनू असी हुण प्लेटां डालांगे। 2-2 इंच दे फासले ते रखते हुए असी इहदियां प्लेट्स डालांगे। इनू इस्तरी दे नाल क्रीज बनांदे जावांगे। क्रीज अच्छी तरह पानी लगा के सैट करदे हुए इहदी क्रीज बनांदे जाणा वा, ताकि इहदी जिहड़ी सिलाई आ बहुत ही खूबसूरत और नीट लग सके। पैनल दियां पट्टियां सिद्धियां करते हुए सब ही इन्हां 'च 2-2 इंच दे निशान लगदे जाणगे। कपड़े नूं सीधा कर लिया वा। इनू मैं सारी ही दरम्यान वाली पैनल दी पट्टी ते उरेप टाइप दियां मैं प्लेटां डाल दी जाऊंगी। एक ही दफ़ा इस पैनल दी पट्टी नूं मैं प्लेटां डाल लूँगी, ताकि मैनूं बार बार इस्तरी दे नाल इहदी क्रीज ना बिठानी पए। कपड़े 'च बल वगैरह नहीं आना चाहिए, इनू सैट ही रखना वा। असी रेप टाइप प्लेटां डालनियां वा इहदे विच। देखो मैं इहदे 'च कोई भी जिहड़ी प्लेट आ स्किप नहीं कीती, मैं सारियां ही तसल्ली नाल दिखाईयां वा तुहानू। आ देखो दरम्यान वाला पैनल साडा तैयार आ प्लेटां डाल के। आह असी सिर्फ अजे इस्तरी दी क्रीज नाल ही प्लेटां बनाईयां वा। हुण मैं तुहानू इहनां दी स्टिचिंग दिखाऊंगी। आ सारियां ही प्लेटां नूं मैं स्टिचिंग कर रही हाँ इन्हां दी अच्छी तरह सिलाई लगा के। देखो एक ही दफ़ा मैं प्लेटां डालियां हुई सी, इसलिए मैं आसानी दे नाल इनू प्लेटां डाल दी जाऊंगी सेट करदे हुए। क्योंकि इन्हां दे असी चौरस डब्बे बनाने हैं, इसलिए असी इन्हां नूं पहले उरेप च एक साइड दी तरफ प्लेटां डालांगे। असी आह ईद दी फ्रॉक सिलाई कर रही हाँ। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आ जिहड़ा मैं अपने व्यूअर्स नाल शेयर कर रही हाँ। पानी डाल के अच्छी तरह इहदियां क्रीज़ां बिठाईयां होईयां सी, इसलिए इहदी सिलाई बहुत ही आराम नाल लग रही आ। बिगनर बच्चियां दे लिए मैं बहुत ही खूबसूरत ईद दा ड्रेस लै के आई हाँ, और देखो मैं कोई भी सिलाई इच स्किप नहीं कर रही, ताकि तुसीं आराम नाल और अच्छे तरीके दे नाल बना सको देख के। अच्छा जी, एक साइड इहदी ख़त्म हो गई आ। हुण मैं इहदी फाइनल लुक दिखा रही हाँ। आह एक साइड दियाँ उरेप प्लेटां आ गई, इनू मैं हुण पानी लगा के अच्छी तरह शावर ना गिला करके मैं प्लेटां दे मूँह एक साइड तरफ बिठा दूंगी, और दूसरी साइड भी 2 इंच दे मैं निशान लगांदी जाऊंगी। दूसरी तरफ भी इदां ही प्लेटां लगा लवांगे असीं।
दो इंच का निशान लगाते हो। दो इंच के निशान ते और कोशिश करनी है जो असी इस्तरी कर रहे हैं प्लेटा का मूँह एक तरफ होना चाहिए वा, ये ना हो सिलाई एक तरफ मूँह एक तरफ हो जाए प्लेटा का दूसरी तरफ हो जाए। सैट करते हुए अच्छी तरह प्लेट में असी सिलाई डालते जावे, बड़े ही हसीन और खूबसूरत ये बॉक्स प्लेट हो जाएंगे, छोटे छोटे बड़े ही प्यारे। इस तुहाडी मर्जी है छोटे छोटे उनके फ्लावर भी कढ़ाई करवा सकते हो, क्योंकि जिहड़ा सेंटर पैनल आ बहुत खूबसूरत तैयार हो जाएगा। थोड़ी मर्जी ते तुसी इनू जिद्दां भी सैट करो। इनू भी एक ही दफ़ा मैं अच्छी तरह इस्त्री कर लूँगी और एक ही दफ़ा इनू मैं सिलाई कर लूँगी। लो जी इन्हां नूं हुण प्लेटां पै गईयां, हुण मैं तुहानूं इन्हां दी स्टिचिंग दिखा रही हाँ। प्लेटां दे जिहड़े मूँह आ ओह एक साइड नूं ही रखे हुए आ, देखो माशाल्लाह आराम दे नाल इस्त्री नाल पहलों डालन दा यही मतलब हुंदा कि बाद च जिहड़ी सिलाई आ ना ओह आराम नाल और अच्छी लग सके। जब तक मैं प्लेटां डाल के अपना पैनल तैयार कर दी हाँ, तुसी जल्दी नाल मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरी वीडियो, ताकि मैं बहुत जल्द बहुत ही प्यारियां प्यारियां तुहाडे लिए वीडियोज़ लैके आवां। ईद आ गई है, ईद के अच्छे अच्छे डिज़ाइन इंशाल्लाह मैं तुहाडे नाल शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त पैनल तैयार होने वाला साडा। दूसरी साइड का भी पैनल तैयार कर रहे हैं असी। बड़ा ही खूबसूरत और हसीन डिज़ाइन तुहाडे नाल असी शेयर कर रहे हैं। प्लेटा के मूँह जिहड़े आ ओह एक साइड होने चाहिए आ, मैं बार बार थानू यही गल करवा रही हाँ याद। लो जी साडा सेंटर वाला पैनल तैयार आ। हुण मैं इहदी कटिंग कर रही हाँ, बैक की जिहड़ी कटिंग आ ओह मैं पहलों ही करके रखी हुई सी, ते फ्रंट दियां जिहड़ियां मैं पट्टियां सी ओह लैदा लैदा कर लईयां सीगियां। पैनल दा सेंटर करदे होए साइड वालियां कलियां सैट करदे होए इहदे उपर हुण मैं बैक रखूंगी। बैक नूं अच्छी तरह सैट करदे होए जिहड़ा इह दरम्यान वाला पैनल आ और साइड वालियां कलियां वा इन्हां नूं एक दूसरे दे उपर रख्या वा मैं, ते इसलिए इन्हां दे उपर रख्या कि बैक साइड दी जिहड़ी मैं कटिंग की हुई सी वह कलियां दे उपर रख के ते मैं कटिंग कर रही हाँ। बैक नूं सीधा करके अच्छी तरह इहदे बल वगैरह कट के हुण मैं बिल्कुल इहदे नाल नाल ही इहनूं कटिंग कर लूँगी।
बस ये याद रखना कपड़े दे विच कोई बल वगैरह ना आवे। क्योंकि जिहड़ा सेंटर वाला पैनल आ उहदे विच मैं गोटा लगाना वा, इसलिए हुण असीं इहनूं पहलों ही कटिंग कर लवांगे ताकि इहदा जिहड़ा फालतू कपड़ा वा उह निकल जाए। तकरीबन इस शर्ट की जड़ी लेंथ आ वह 41 की आ, इसलिए यदा कंधा थोड़ा बड़ा ही होएगा। आ देखो हूँ मैं गोटा दिखा रही हाँ तानू, यह असी कली दे विच अटैच करांगे और गुम सिलाई दे विच लगावांगे। पहले मैं इदा ही रख के इनू सिलाई लगा लेनी आ। देखो फिर मैं दूसरा कपड़ा उपर रख के इनू गुम सिलाई लगा देनी है। गोटे नू सैट करते हुए दोनों कपड़े साइडा तो परे करते हुए ये उपर सिलाई लगा लवेंगे ताकि जड़ी मैं कली लगाई है इसकी बड़ी ही प्यारी फिनिशिंग निकल सके। बहुत ही आसान तरीके नाल मैं थानू गोटा लगाना सिखाया वा। दोनों ही पैनल दे दोनों ही साइडां ते देखो मैं गोटा अटैच कर लिया। आह कली घट हो रही सी ते उहदे विच असी कपड़ा लगाया। हुण मैं थानू गला सिखा रही हाँ। गले नू सीधा रखदे हुए पट्टी दी गुलाई नू सैट करदे हुए गले दी इहनू असी इस्तरी दे नाल अच्छी तरह चिपका लवांगे। इस्त्री वाली टिप बहुत अच्छी आ कि कभी भी जल्दी जल्दी इस्त्री करके फौरन नाल कपड़ा नहीं उठाईदा, कपड़े ने थोड़ा जा रेस्ट देईदा वा ताकि बुकरम जड़ी आ ठंडी हो के अच्छी तरह नाल चिपक जाए। असी गरम गरम जल्दी ही कपड़े नू चुक लईदा इस्त्री तो, इस करके साडा जिहड़ा गला वा वह जल्दी नहीं चिपकदा। इजाफी कपड़ा यदा मैं कटिंग कर रही हाँ क्योंकि इस गले नू मैं पहले ही तैयार कर लूँगी ताकि जिहड़ी सिलाई आ ना वह आराम नाल हो सके। गले दी गुलाई दी तरफ सीधा करते हुए सारा ही कपड़ा अंदर दी तरफ मोड़ते हुए गले दी असी सिलाई पूरी कर लवेंगे। आह गला सादी शर्ट ते भी बनया होया बहुत प्यारा लगता वा। असी इंदा गले दा सेंटर करते हुए इजाफी कपड़ा इहदा कटिंग करके इनू साफ सुथरा करके सैट करके शर्ट दे उपर अटैच करांगे इनू। ध्यान रखना वा गले दा सेंटर बिल्कुल भी अगे पीछे नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिहा बॉट गले दी शेप नाल इह गला कटिंग कीता सी मैं। देखो शर्ट नू सीधा रखते हुए बिल्कुल इहदा सेंटर करदे हुए इस गले नू मैं इहदे उपर पेस्ट कर लवांगी और इहदी सिलाई लगा दांगी। हुण मैं तुहानू इहदी सिलाई लगा के दिखांदी हाँ। बहुत ही सादा सिंपल और आसान तरीका
कपड़ा थोड़ा जहा है बारीक है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा रखे हुआ मैं फोल्डिंग, ताकि मेरी बुकरम नीचे नज़र ना आवे। अच्छा जी, हम साड़ा गला शर्ट के नाल अटैच हो गया वा। इच्छो हूँ मैं पिना लगा के इनू कटिंग कर लवांगी, और छोटे छोटे कट लगा के गले नू मैं सिलाई करके इस्त्री करके ते फिर मैं थानू इहदी फाइनल लुक दिखांदी हां। गले दी गले दे जिहड़े कट वा सिलाई दे कोल करके लगाने और तिरछे अंदाज नाल लगाने आ। ताकि असी जदों सीधा करिए तो कपड़े की साढ़े की फिनिशिंग आए, बाल झोल वगैरह ना आ। हुण मैं इनू सीधा करके दिखा रही हाँ। असी कैंची की नोक ना हल्का जहा अंदर की तरफ दबाते हुए सोहनी जी नोक कढ लवेंगे गले की, और दूसरी साइड की भी असी इदा ही नोक कढ लवेंगे, क्योंकि असी शर्ट के उपर बुकरम अटैच किया सी इसलिए साढ़े गले की नीटनेस चेक करो जरा। गला अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सैट करते हुए अच्छी तरह हूँ मैं ये पट्टी लगा लूँगी। आह गले की मैं पट्टी बना रही हाँ। असी 12 इंच की पट्टी ले लवेंगे। 12 इंच की पट्टी लेंदे हुए इनू अलग कपड़े पर चिपका लवेंगे। जो पट्टी लेके इनू असी चिपका लवेंगे फिर असी आह गले के नीचे अटैच कर देवे। गले के नीचे पट्टी अटैच करके गले नू सीधा रखते हुए असी ये नीचे पट्टी रख के इनू चिपका लवेंगे और ये उपर सिलाई लगा लवेंगे। असी कंधे तो लैके गला नापना वा, यदा 6.5 इंच का गला रखांगे, क्योंकि यह बॉट गला वा इसलिए इनू असी ज़्यादा लंबा नहीं रखांगे, क्योंकि यह चौड़ाई दे विच ज़्यादा वा। हूँ असी इनू सिलाई लगा देवांगे। देखो हूँ इनू असी सिलाई लगा लिया वा। सिलाई लगाण तो बाद हूँ ये उपर असी डिजाइनिंग करांगे। हूँ मैं थानू इहदी डिजाइनिंग करके फाइनल लुक तैयार करके दिखांदी हाँ। बहुत सारिया दुआवां च याद रखियो, मेरा चैनल लाइक सबसक्राइब और शेयर जरूर करियो। बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह वीडियो लेके आवांगे ताड़े कोल। अल्लाह हाफिज़।